हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो क्या यहाँ पर डीए और डीआर बढ़ोतरी पर और बोनस है उसके ऊपर क्या अपडेट आई है? क्योंकि सुबह से ये चीज़ें हाइप बनाया जा रहा था कि आज केंद्र की कैबिनेट की मीटिंग है, कन्फर्म तौर पर आज डीए तो अनाउंस हो ही जाएगा और साथ ही बोनस को लेकर भी कोई अपडेट जरूर आ जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर मीटिंग है वो ख़त्म हो चुका, क्या फैसला आया है वो इस वीडियो में हम बताएंगे। डीए 46% अनाउंस हुआ है या नहीं यहाँ पर ये भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सही अपडेट यहाँ पर आपको पहुँचाई जाएगी। तो ये यहाँ पर देख सकते हो केंद्र की कैबिनेट मीटिंग थी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल पीआईबी का है ऑफिशियली, उसके ऊपर यहाँ पर प्रेस है वो रिलीज की गई है। यहाँ पर ब्रीफिंग यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा देख सकते हो 11 अक्टूबर की डेट में। हमें सुबह से पता था कि यहाँ पर आज कैबिनेट की मीटिंग है तो ज़रूर कुछ अपडेट आ सकता है, बट हमने पहले वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जब तक अपडेट ना आ जाए तब तक यहाँ पर आपको अपडेट नहीं दिया जाएगा। अब क्या क्या फैसले हुए वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर फैसलों की प्रेस जो आप देखें रिलीज, तो PIB.gov.in के ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में कैबिनेट अप्रूव्स। यहाँ पर एक तो ये रॉयल्टी रेट्स ऑफ माइनिंग, एक तो यहाँ पर इसको अप्रूव किया है कैबिनेट ने। दूसरा यहाँ पर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड पपुआ न्यू, इनके यहाँ पर संबंधित एक अप्रूवल मिला है। इसके साथ ही यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ आपका इंडिया और फ्रेंच के बीच में कोई कॉरपोरेशन है वो यहाँ पर अप्रूव हुआ है। इसके बाद में कैबिनेट अप्रूव्स आपकी जो है मेरा युवा भारत, ये ब्रीफिंग थी जो यहाँ पर यूट्यूब पे आई थी पीआईबी में। उसमें पूरा जो था वो सब कुछ मेरा युवा भारत के बारे में था कि कैसे क्या यहाँ पर नया ऐप बनाया जाएगा, उसमें जो भारत के युवा हैं उनको जोड़ा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक आपका इंडिया और ट्रिनिडैड और टोबैगो के बीच में यहाँ पर कुछ है इसको अप्रूव मिला, यानी कि इतने फैसले हुए। बट यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई भी फैसला नहीं हुआ, बाकी सब फैसले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई भत्ते और बोनस को छोड़कर। यानी कि फाइनली एक और कैबिनेट की मीटिंग है वो यहाँ पर निकल गई है और अगली मीटिंग अब 5 से 7 दिन के बाद में आप मानो तो, यानी कि वही डेट जो हम आपको बता रहे थे 15 से 20-22 तारीख तक यहाँ पर आपका अनाउंस, 20 तक अनाउंसमेंट होगा। पर डीए है वो यहाँ पर ज़रूर अनाउंस हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि यहाँ पर एक इससे पहले मीटिंग हुई थी 4 या 6 तारीख के समथिंग, उसमें भी यहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ। और यहाँ पर 11 तारीख की डेट में जो हुई है इसमें भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। महंगाई भत्ता जो कि सितंबर के महीने में अनाउंस हो जाता है, तो यहाँ पर क्यों इसको डिले किया जा रहा है अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आया। हो सकता है सरकार चाहती हो कि दोनों अपडेट हमें एक साथ दे दें, बोनस और यहाँ पर जो आपका है डीए का। तो ये आपकी जो संभावनाएं हैं वो अब नेक्स्ट कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसके अंदर कंफर्म तौर पे आप मानो कि उसमें ज़रूर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और वो जो आइडिया हमने आपको बताया था 15 से 20 तारीख के बीच में, वो आइडिया भी यहाँ पर अगली कैबिनेट की मीटिंग में कवर हो जाएगा। बाकी कब यहाँ पर वो मीटिंग होगी उसको लेकर हम जल्द अपडेट लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने वैल्यूबल कमेंट नीचे जरूर डालें कि यहाँ पर आपको क्या लगता है। और डीए है आपका 46% कन्फर्म है और यहाँ पर अगर 20 तारीख से पहले पहले अनाउंसमेंट हो जाता है जो कि 99% पॉसिबल है, तो आपका जो डीए है वो इसी महीने की सैलरी जो अक्टूबर की सैलरी आएगी उसमें 3 महीने के एरियर के साथ भुगतान कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर 20 तारीख से बाद में डिले होता है तो मे बी आपका अगले महीने, बट ऐसा हुआ नहीं है अब तक। बाकी और अपडेट हम लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।